नमस्कार, जय हिंद। जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर वॉइस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जेएनवीयू प्रेसिडेंट रविंद्र सिंह भाटी लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं छात्रों और युवाओं के लिए। अभी 3-4 दिन पहले पूर्व कर्मचारियों के लिए उनकी कमिटेशन, उनकी पेंशन, उनकी ग्रेजुटी को लेकर उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी बात कही है। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी माना जाता है, तो उन्होंने आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए जो बात कही है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक पोस्ट किया है। उसमें लिखा है, अहिंसा सत्य एवं न्याय की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। उसके बाद उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एक तरीके से आप कह सकते हैं व्यंग किया है कि कहाँ है गांधीवादी विचारधारा। सूबे के मुखिया स्वयं को गांधीवादी विचारधारा का अनुयायी मानते हैं और उसी विचारधारा का खंडन कर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों की बात करने वाले बुजुर्गों और युवाओं पर लाठी व मुकदमों के जोर से उनके हक को दबाने का काम कर रहे हैं। उसमें इनको टैग किया है इन्होंने, पीएमओ इंडिया, राजनाथ सिंह, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, देवी सिंह भाटी, भवा सिंह भाटी और प्रताप सिंह खाचरियावास। उन्होंने सीधा सीधा अशोक गहलोत को टारगेट किया और कहा है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई प्रदर्शन करता है अपनी जायज़ मांगों को लेकर, तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, मुकदमे लगाए जाते हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी पर मुकदमे लगे थे इस प्रदर्शन को लेकर, उनको हवालात में जाना पड़ा था। उसके बाद से लगातार रविंद्र सिंह भाटी हमलावर है। खुद उन्होंने अपनी फ़ोटो पोस्ट करी थी जेल के अंदर की, कि किस तरीके से मुकदमे लगाकर जेल में बंद करके मेरी आवाज़ दबाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं किसी भी तरीके से दबूंगा नहीं, मैं कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए ऐसे ही आवाज़ उठाता रहूँगा और किसी भी षड्यंत्र को हर तरीके से मात देने की पूरी कोशिश रहेगी और किसी भी तरीके से झुकेंगे नहीं। तो उन्होंने साफ साफ जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी हमेशा खड़े रहते हैं युवाओं के लिए, अब उसी को लेकर जो मुख्यमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा है। आप सभी को पता होगा कि रविंद्र सिंह भाटी दीक्षांत समारोह जब हो रहा था, उस दीक्षांत समारोह के अंदर चले गए थे और दीक्षांत समारोह में खुद मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे। तो खुद जानबूझकर रविंद्र सिंह भाटी और पूर्व कर्मचारियों ने ये चीज़ चुनी होगी, क्योंकि पूर्व कर्मचारी काफ़ी दिनों से परेशान है और कहा जा रहा है कि उनकी पेंशन उनको टाइम पे नहीं दी जा रही है और पेंशन टाइम पे नहीं देने की वजह से उनको खासी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए ये प्रदर्शन किया था रविंद्र सिंह भाटी ने। बाकी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।